और अब बात सरकार की करते हैं। सरकारी अफसरों को नियुक्त करने वाली, उनका चयन करने वाली संस्था हरियाणा लोक सेवा आयोग को 4 नए सदस्य मिले हैं। लंबे समय बाद आखिरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग को 5 सदस्य और स्थायी अध्यक्ष मिल गए हैं। आयोग के 4 नए सदस्यों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली, जबकि अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम देख रहे मनबीर भड़ाना को अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के राजभवन में हुआ। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अधिकतर सीनियर अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। मैं जगन्नाथ, जिसे हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ, यथा योग्य ज्ञान तथा विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये नजारा है हरियाणा राजभवन में हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग के शपथ ग्रहण समारोह का। समारोह में आयोग के 4 सदस्यों और अध्यक्ष ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सभी ने अपनी शपथ हिंदी में ली। मनवीर भड़ाना को आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलवाई गई। भड़ाना अभी तक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके साथ ही सविता तायल, जगन्नाथ, सुरेंद्र शर्मा और हरेंद्र पाल सिंह ने आयोग के सदस्य के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद आयोग के अध्यक्ष मनबीर भड़ाना ने कहा कि आयोग का काम पहले भी ठीक चल रहा था और आगे ठीक चलेगा। उन्होंने कहा कि अब आयोग में सदस्यों की संख्या पर्याप्त है। स्ट्रेंथ कम है, अभी जो है अब 5 मेंबर हो गए हैं और एक मैं चेयरमैन, तो ये स्ट्रेंथ काफी है। हमारा काम अब ठीक स्ट्रीमलाइन होकर चला रहा है। ये देखो गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें हमारा जो है कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं है। हमें जो काम मिलेगा हम उसको बखूबी करेंगे। जिन 4 लोगों ने आज लोक सेवा आयोग सदस्यों के तौर पर शपथ ली, अब उनके बारे में आपको बताते हैं। शपथ लेने वाली एकमात्र महिला सविता तायल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व प्रधान सचिव ML तायल की पत्नी हैं। शपथ ग्रहण करने वाले जगन्नाथ केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के चचेरे भाई हैं। सुरेंद्र शर्मा सोनीपत निवासी हैं, जबकि हरेंद्र पाल सिंह पलवल के रहने वाले हैं। इन दोनों के बारे में बताया गया है कि ये सालों से कांग्रेस के साथ हैं और फिलहाल तक पार्टी में पदाधिकारी भी थे। अध्यक्ष बने मनबीर सिंह भड़ाना पहले आयोग के सदस्य थे और बाद में उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आहट को देखते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग का विस्तार किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया तो बदल गई है, लेकिन किन लोगों का चयन होना है ये बिल्कुल नहीं बदला है। जिस तरह के कदकाठी के लोग पहले चुने जाते थे, बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला है। जो 4 सदस्य नए बनाए गए हैं, उनमें से एक मुख्यमंत्री के नजदीकी अफसर की धर्मपत्नी है और दूसरे हरियाणा की एक कद्दावर महिला नेता के भाई। यानी साफ है कि जो परंपरा पहले चलती आई है HPSC में सदस्य या चेयरमैन बनाने की, वो अब भी जारी है। कैमरामैन मोहित के साथ आदित्य चौधरी, एवं तहलका, चंडीगढ़। जी हां, तो हरियाणा सरकार के 4 नए HR यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजरों ने एक तरीके से आज शपथ ली है। किसी भी संस्थान में HR वो डिपार्टमेंट होता है जो अपनी कंपनी के लिए, अपने संस्थान के लिए अच्छे लोगों का चयन करता है, और हरियाणा लोक सेवा आयोग का काम है हरियाणा सरकार के लिए अच्छे अफसरों का चयन करना। हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि HPSC में लंबे समय से पद खाली पड़े थे, अभी भी एक पद को खाली रखा गया है। जो नए 4 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, उनकी पृष्ठभूमि आपने अपनी रिपोर्ट में बताई। क्या पहले भी इतिहास ऐसा ही रहा है कि कांग्रेस के या फिर जो भी सरकार सत्ता में हो, जो भी पार्टी, उसके चहेते लोग ही HPSC पहुंचते हैं? इस बार भी एक तो मुख्यमंत्री के पसंदीदा अफसर की पत्नी है, एक कांग्रेस के सांसद के चचेरे भाई हैं, बाकी 2 लोग भी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। क्या ऐसी ही नीति रही है हरियाणा में हमेशा? बिल्कुल दीप, यही परंपरा, यही परिपाटी रही है, ना केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब में भी। पंजाब में तो श्रोमणी अकाली दल
के मुख्य सचिव को रिजाइन कराकर उनको चेयरमैन बनाया गया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पंजाब को आदेश दिए थे कि इस मामले में ऐसे भर्ती ना हो, एक सर्च कमेटी बने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करे, और वो ही नियम कायदे पंजाब के साथ साथ हरियाणा पर भी लागू हो गए थे। हरियाणा ने भी एक सर्च कमेटी बनाई थी 3 या 4 महीने पहले, और इस सर्च कमेटी ने इन 4 लोगों को खोजा है। तो इन 4 को देखकर जिस तरह का इनका भूतकाल रहा है, यानी जिस फील्ड में ये रहे हैं, जिस फील्ड की एक्सपर्टीज इनके पास है, उसको देखकर कोई भी ये मान सकता है कि सिर्फ 4 महीने का वेस्टेज हुआ जो सर्च कमेटी थी, अन्यथा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कहा जाए कि अपने फील्ड के वो मास्टर हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने फील्ड में काम किया है। तो जिस आपने सही कहा, HR डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा ये लोकसभा आयोग। संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक जो जिम्मेवारियां हैं वो इनके ऊपर हैं, इनको आप हटा भी नहीं सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में जो HPSC बनी थी उसको कैसे भंग किया गया, राष्ट्रपति तक वो मामला गया, और उसके बाद किस तरह से पूरा मामला का राजनीतिकरण हुआ। HPSC में मेंबर्स तक नहीं थे हरियाणा में, अब वर्तमान में सिर्फ एक सदस्य और एक कार्यकारी चेयरमैन के भरोसे HPSC चल रही थी, अब 5 सदस्य हैं और एक चेयरमैन है। तो ऐसे में साफ है कि काफी दिक्कतें जो हैं वो HPSC के सामने कम हो गई हैं, लेकिन जो मेंबर्स बनाए गए हैं वो साफ है कि कांग्रेस के प्रभाव कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल आदित्य चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमें बता रहे थे कि कहीं ना कहीं क्राइटेरिया या पैमाना या काबिलियत जो है वो पार्टी और सरकार की इच्छा और सहूलियत के हिसाब से तय हो रही है HPSC के मेंबर नियुक्त करते वक्त। हमारे साथ रोहतक से वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी जी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। त्यागी जी आपका स्वागत है चर्चा में। सतीश त्यागी जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? सतीश त्यागी जी से संपर्क नहीं हो पाया है बन पाया है उनके पास, दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने अपने लिए अच्छे अफसर चुनने का जिम्मा 4 नए और लोगों को उस जिम्मेदारी में शामिल किया है। 4 नए सदस्यों ने शपथ ली है, पहले से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम देख रहे मनवीर भड़ाना अब स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं, और उनके साथ अब 5 सदस्य और इसमें काम करेंगे, एक पद अभी भी रिक्त रखा गया है। सतीश त्यागी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश त्यागी जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? सतीश त्यागी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने हरियाणा लोक सेवा आयोग, जो हरियाणा सरकार के लिए बड़े अफसर HCS HPS का चयन करती है संस्था, उसमें 4 नए सदस्य शामिल किए हैं।